ओ मेरे ब्लॉगिंग के देवता, मुंबई का निखिल और फ्लाइंग बीच फैमिली, आपका आशीर्वाद ऐसे ही हमारे ऊपर बना रहे और हमारा चैनल भी आपके जैसा ग्रो करे। अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। आज का ब्लॉग है स्पेशली, हम लोग जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? नहीं 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 वेट वेट वेट, मेरे को वो स्टाइल में ब्लॉग स्टार्ट करना है आज का। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल गाइज, टूडे आई एम मेकिंग अ न्यू वीडियो, सो प्लीज सबर पकड़ रहा है, सर पकड़ रहा है, सब जब सर सब जब सब वाट एवर इट इज, प्लीज सब डू दिस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। स्टार्ट करते हमारा व्लॉग। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल, मैं हूँ आपका दोस्त राहुल और आप देख रहे हैं इंजीनियर पांडा। आज संडे है और मैं आज स्पेशली व्लॉग कर रहा हूँ। सॉरी, मैं मेरा सेल्फी स्टिक या ट्राइपॉड जो भी है वो भूल गया हूँ, इसीलिए मुझे अभी हाथ स्ट्रेट करके व्लॉगिंग करना पड़ेगा आज के दिन, सो उसके लिए सॉरी। आज का व्लॉग स्पेशल उन लोग के लिए जो नवी मुंबई में अपना घर लेना चाहते हैं खुद का, 25 से लेके 30 लाख तक अगर उनका बजट है तो वो लोग ये वीडियो जरूर देखें पूरा, उनको कुछ ना कुछ तो हेल्प होने वाला है आज। तो स्टार्ट करते हैं हमारा व्लॉगिंग, सीधा चलेंगे, सिनेमैटिक व्यू, ये व्यू कोई नहीं, कुछ नहीं रखने वाला हूँ। आई वॉन्ट टू शेयर वन थिंग विद यू, मैं जब भी मेरे वीडियोज़ के एनालिटिक्स चेक करता हूँ तभी मैं देखता हूँ, अगर मैं 10 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें मेरा एवरेज ड्यूरेशन टाइम जो लोग वॉच कर रहे हैं वो 3 या 4 मिनट का ही रहता है। मतलब कितना पब्लिक स्किप कर रही है देखो भाई, तो वो स्किप को हटाने के लिए, मतलब आप स्किप ना करें और वीडियो पूरा देखें, उसके लिए सिनेमैटिक व्यू, स्लो मोशन व्यू मैं अभी नहीं रखने वाला हूँ ताकि आप वीडियो अच्छे से पूरा देख सकें। तो अभी सीधा मिलेंगे हम लोग, जब भी जाएंगे कहाँ पे, दो लोकेशन पे जाने वाले हैं, एक तलोजा और दूसरा पनवेल। भगवान की कृपा से तलोजा सेक्टर 27 में हम लोग को एक घर मिल गया था, लॉटरी में हम लोग को लगा था वो 2 साल पहले। तो या अभी ये घर हम लोग क्यों ले रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, वो आपको जैसे हम लोग आगे आगे वीडियोस करते रहेंगे तभी आपको पता चलेगा। तब तक के लिए इंजीनियर पांडे को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ बने रहना। नो सिनेमैटिक व्यू, नो सिनेमैटिक। अरे यार कुत्ते, चुप बैठना यार, ये ऐसा बीच बीच में आते हैं ना फिर कट करना पड़ता है। हेयर शीज पांडा और उसकी मम्मा, मतलब मेरी सासू माँ, और ये पीछे से पढ़ली हस्ती सदा, और ये बाबा। गाइस, तो हम लोग आए अभी, जो बिल्डर है उनका उनका कंस्ट्रक्शन साइट बना हुआ है, ये आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा क्वालिटी कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हिरानंदानी पवई में आ चुका हूँ। तो अभी मैं फ्लैट दिखा था वो आपको, 350 अराउंड प्लस माइनस रह सकता है कारपेट एरिया। तो या सो बेसिकली दिस इज हॉल, ये हॉल है, दिस इज द किचन, किचन लाइक छोटी सी बालकनियां है। दिस इज द टॉयलेट, अच्छा खासा स्पेस है यहाँ पे। और नहीं, दिस इज द बाथरूम, सॉरी दिस इज द बाथरूम, बहुत अच्छा स्पेस है और ये टॉयलेट है यहाँ पे। सो दिस आर द 2 BHK फ्लैट एंड द हॉल इज वेरी प्रीशियस, वेरी प्रीशियस हॉल, खूब मोटा है, बालकनी पण छान है, मोठी विंडो आहे, हॉलच मला खूप मोठा वाटला, इथं आम्ही क्रिकेट खेळू शकतो। दिस इज द किचन, दिस इज द टॉयलेट, दिस इज द बाथरूम, हा 1 BHK, हा पहिला बेडरूम। तसंच आपण पुढे आलो की हे एक टॉयलेट आहे, मध्ये डोर आहे, प्रायव्हसी इथे आहे, ओके। फॉर एक्झाम्पल आता हा एक छोटासा हॉल आहे, मी तुम्हाला लांबून दाखवतो, हा छोटासा हॉल आहे, इथून त्याचा डोर इथून पाठीमागून आहे, एक खूप मोठी आहे आणि तुम्ही बाहेरचा व्ह्यू बघू शकता, बाहर का व्ह्यू देख सकते हो, वंडरफुल वंडरफुल। वो देखो मेरी पांडा, पांडा। सो बेसिकली कसं आहे, गरिमा आणि रहिमा हे सिद्धिविनायक बिल्डरचे 2 कन्स्ट्रक्शनचे साईट आहेत, ते कम्प्लीट झालेले आहेत
उनका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होके उनका पोजेशन भी अभी चालू हो गया है, बिकॉज क्या बोलेंगे उसको, इसका पूरा फ्लैट का सेल कंप्लीट हो चुका है। ये हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं यहाँ पे, बिकॉज इनका जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है आप देख सकते हो पीछे, ये देखो ये और ये कंप्लीट उनका दो प्रोजेक्ट है, उनका सेल हो चुका है। तो उनका क्वालिटी कैसा रहेगा बिल्डिंग का या फिर कंस्ट्रक्शन का, तो वो दिखाने के लिए हम लोग को वो यहाँ पे लाते हैं, ताकि हम अच्छा लग रहा है मुझे तो लग रहा है कि मैं हीरानंदानी पवई में आ चुका हूँ। तो हम लोग उनका एक्चुअल प्रोजेक्ट जो है सर्वम, वहाँ पे जा रहे हैं अभी देखने के लिए कि उनका कैसा रहेगा वो। हालांकि 2 साल के बाद पोजीशन मिलने वाला है, बट लेट्स सी देखने में क्या जाता है, उनका साइट कैसा है। जो पनवेल का अरिहंत बिल्डर है फेमस वाला, उनके बाजू में उनका प्रोजेक्ट है। तो या लेट्स सी, आपने क्वालिटी तो देखा रहेगा, फोटोज़ में भी देखा रहेगा, अच्छा लगा मुझे, बजट में है इसलिए हम लोग देख रहे हैं। सो लेट्स सी अभी एक्चुअल में जो साइट है सर्वम का, वहाँ पर हम लोग जाते हैं। आणि तुम्ही बघू शकता है माझे सबस्क्रायबर इकडे सगळे जमलेले आहेत मला भेटायला, माझा मीटअप चालू आहे आणि मी यांना सगळ्यांना आता भेटणार आहे, त्यांच्याशी जरा गप्पा गोष्टी करतो आणि तुम्हाला नंतर भेटतो। ओके, सो कंक्लूजन इज की हम लोग वहाँ पे जाके आए, उन्होंने यहाँ का बिल्डअप क्वालिटी देखा है हम लोग को कि वैसा ही सर्वम में भी होगा, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि 2 साल या 3 साल के बाद पोजीशन हम लोग को मिले। सो अभी हम लोग मूव कर रहे हैं नेक्स्ट लोकेशन के लिए, जो कि प्रकृति स्पर्श का ये है प्रोजेक्ट है, जो कि पनवेल से वाजे के तरफ जाता है। तो हम लोग अभी मिलते हैं सीधा वहाँ पे। गाइस तुम्ही इथे बघू शकता सिडकोचं कन्स्ट्रक्शन चालू आहे, जे सिडकोच्या लॉटरी जिकडे आहेत, जो सिडको का लॉटरी चालू था वो ये कन्स्ट्रक्शन है। अभी 1-2 साल में पोजीशन मिल जाएगा, लॉकडाउन के वजह से इनका पोजीशन अटक गया है, बट अभी ये बोल रहे हैं कि 1 या 1.5 साल में पोजीशन मिल जाएगा। तो मैं हम लोग को जहाँ पे लॉटरी लगी थी सिडको की, वो आपको बिल्डिंग दिखाना चाहता हूँ, जस्ट वेट फॉर ओनली 10 सेकेंड। हाँ 1 मिनट थाम गए, नहीं आ रहा है, बंद कर। तो ये देखो, ये सबसे पहले बिल्डिंग है यहाँ पे, सिडको के कंस्ट्रक्शन में चालू है। जब भी मैं आया था तभी 1 मजला हो गया था, अभी पूरा देखो बहुत 1 मजला हाँ जो भी है आप समझ सकते हो मेरी फीलिंग्स। और ये बस स्टॉप है यहाँ पे एंड होता है, इमिजिएटली यहाँ पे मेट्रो का स्टेशन है पेंद्रे। तो आप देख सकते हैं भगवान ने दिया है पर चप्पर फाड़ के दिया है। तो आप अगर चाहते हो कि सिडको के बारे में अच्छे से एक वीडियो बनाओ कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए आपको कैसे घर मिल सकता है नवी मुंबई में, 20 से 25 लाख में आपको सिडको लॉटरी थ्रू घर मिल सकता है, अगर चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालना, मैं उसके लिए एक डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगा। सो यस, हम लोग अभी आ गए हैं प्रकृति स्पर्श के वाजे लोकेशन में, उनका कंस्ट्रक्शन साइट है। आप पीछे देख सकते हो यहाँ पे उनका कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है। तो ये बोल रहे थे 6 महीने के बाद पोजीशन देंगे, बट हम लोग पकड़ के चल रहे हैं कि 1 साल के बाद पोजीशन मिल सकता है, December 2021 तक। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक चीज, वो देखो, दिस इज द वंडरफुल व्यू फ्रॉम द प्रकृति स्पर्श का। ये है अगर सपोज यहाँ पे अगर फ्लैट ले रहे हैं या फिर वहाँ पे वो सोसाइटी में अगर फ्लैट लेते हैं, तो माथेरान का जो व्यू है वो आपको दिखाई देगा। ऊपर से ये नदी बहती है, वो भी आपको दिखाई देगी। व्यू वाइज तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहला फ्लैट है, ये सेकंड फ्लैट है, ये थर्ड फ्लैट है, और यहाँ पे वो पता नहीं 4th फ्लैट हो सकता है, और ये 5th फ्लैट है। सो बेसिक यहाँ पे 5 फ्लैट्स है 1 फ्लोर पे। आफ्टर एंटरिंग इनटू द फ्लैट, ये व्यू जबरदस्त दिख रहा है। देखो यार क्या कलर्स आ रहे हैं, मेरा फोन तो एकदम जबरदस्त है यार जाने दो। तो व्यूज अच्छा है, ओके। सेकेंड थिंग, यहाँ पे बीच में एक पैसेज है, थोड़ा सा बीच में पैसेज के बाद ये लेफ्ट साइड में यहाँ पे किचन है, किचन भी काफ़ी अच्छा खासा है, किचन से भी बालकनी और व्यू आपको मिल सकती है अगर आप ये साइड का फ्लैट ले रहे हो को। और ये बाथरूम तो बहुत तगड़ा दिया है, लाइट तो नहीं चालू है बट ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। यस, बाथरूम के बाद ये हॉल है, ये देखो ये हॉल है। हॉल में एंटर करने के बाद इमीजिएटली ये सब, ये अच्छा काम किया है कि बड़ा विंडो दिया है, आप उसको छोटा भी कर सकते हैं स्टार्ट से लेके एंड तक, मतलब आप मेरे हाइट से ऊपर विंडो है, मतलब वेंटिलेशन बहुत अच्छा होगा यहाँ पे। देखो तो अभी सीरियस बात करता हूँ कि जिनको भी एज अ इन्वेस्टमेंट या फिर एज अ फार्म हाउस टाइप अगर घर लेना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे प्रकृति स्पर्श के यहाँ पे ले सकते हैं।
पनवेल से यहाँ पे थोड़ा दूर है, 10 किलोमीटर है। अगर आपके पास गाड़ी या बाइक है तो आपको 15 से 20 मिनट लग सकते हैं, या फिर अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हो तो आपको आधा घंटा लग सकता है यहाँ पे आने के लिए। मतलब 20-25 लाख का आपका बजट रहेगा और आप चाहते हैं कि पनवेल साइड में आपका फार्म हाउस हो वाजे लोकेशन में, तो या दिस इज़ द गुड अपॉर्चुनिटी टू टेक इट, बिकॉज अभी लॉकडाउन के वजह से बहुत ही प्राइस घट चुके हैं। तो मैं उसका जो भी डिस्क्रिप्शन रहेगा, जो भी डिटेल्स रहेगा, मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, आप वहां से ले लेना। बिल्डिंग नंबर 1, बिल्डिंग नंबर 2, बिल्डिंग नंबर 3, 4, 5 और ये यहाँ पे 6 है। यहाँ पे 2 BHK के फ्लैट है और ये बीच में बहुत बड़ा पैसेज है, और उसके बाद में जो ये यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं लेफ्ट साइड में ये पत्थर रखे हुए हैं, वहाँ पे वो लोग गार्डन करने वाले हैं, प्लेग्राउंड और जॉगिंग का भी यहाँ पे उन्होंने से बोल रहे हैं कि करने वाले हैं। ये कैसा दिखेगा वो आपको एक व्यू दिखाता हूँ बनने के बाद। दोज यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट 20-25 लाख इन अ गुड प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे वो लोग आ सकते हैं, बहुत ही अच्छा खासा है। अभी देखते हैं, एक साल का पोजिशन बोला है उन्होंने, हम लोग 1 साल के बाद वापस यहाँ पे आएंगे। अगर सपोज हम लोग ने यहाँ पे फ्लैट लिया तो आपको तो पता ही चल जाएगा कि यहाँ पे कैसा कंस्ट्रक्शन हो रहा है और कैसा फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, और अगर नहीं दिया तो भी हम लोग 1 साल के बाद, मतलब दिसंबर अभी ये तो अभी से पकड़ के 1 साल के बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे और देखेंगे उन्होंने एक्चुअल में उनके जो प्रोमिसेस थे जो कंप्लीट किए कि नहीं, तो हम लोग इनको रिव्यू करेंगे जल्दी।